अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब अहमद नासर। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक कंसेप्ट सीखा, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि आपने विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन किस तरह से सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सम और प्रोडक्ट फाइंड करने से करने के लिए आपके पास जो टेक्निक है वो आपने इससे जो प्रीवियस लेक्चर है वो लाजमी आपने देखना है। अगर उसकी कंसेप्ट आपको आता है तो वो इंशाल्लाह आपको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, विदाउट सॉल्विंग आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपके पास ए बी सी की वैल्यू होनी चाहिए। तो ए आप जानते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, वो 1 है। बी कोफिशियंट ऑफ एक्स होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, वो -5 है। और सी इधर कोई कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर हम सम की बात करते हैं, सम ऑफ रूट्स तो वो हमारे पास इधर आ रहा है जी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मैंने अभी ये प्रूव करके दिखाया, ये सॉल्व करके दिखाया है कि वो -b ओवर a होता है। तो सम की बात कर रहे हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा, तो b इधर क्या है जी -(-5) और a हमारे पास है 1। तो यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा -(-+5)/1। तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा 5। सम की बात करें तो वो हमारे पास आ गया जी अल्फ़ा प्लस बीटा। इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया अभी। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो हमारे पास आता है अल्फ़ा बीटा, वो है सी ओवर ए। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास प्रोडक्ट है, वो है सी ओवर ए। तो सी हमारे पास 3 है ओवर ए। तो यहाँ अगर प्रोडक्ट हम देखें तो वो हमारे पास आ जाता है 3। तो ये प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया और हमने इसी इक्वेशन का सम भी फाइंड कर लिया। तो हम नेक्स्ट इक्वेशन पकड़ते हैं जी, तो वो हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। इसमें सेकंड पार्ट इसका 3x²(-11)=0। तो यहाँ पर हमारे पास ए अगर हम निकालें तो वो 3 है, बी की वैल्यू बी वैल्यू इधर 7 है और सी कोई कॉन्स्टेंट -11 है। सबसे पहले हम सम फाइंड कर लें, पर कोई इसमें इशू नहीं है। तो हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास है कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b ओवर ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b ओवर ए -7 ओवर ए हमारे पास है 3। तो हमारे पास सम इसका क्या आ गया, -7/3। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हमारे पास आता है अल्फ़ा बीटा, तो वो है सी ओवर ए। तो अल्फ़ा बीटा अगर फाइंड करना है तो सी ओवर ए, सी हमारे पास -11 है और ए हमारे पास है 3। तो इसी तरह हमने इसका प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तो वो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, वो हमारे पास है (px²)(qx+r)=0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। सबसे पहले अगर कॉफिशेंट ऑफ x² देखें तो वो हमारे पास p है, a की वैल्यू हो गई। कॉफिशेंट ऑफ x वो हमारे पास -q और कांस्टेंट यहाँ पर r है। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स वो है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो हमारे पास है जी -b/a। ठीक हो गया। तो -b/a बी और ए की वैल्यू पुट करनी है, -(b) हमारे पास क्या है जी -q, तो -q लिख दिया, -2 रख लिया। और a हमारे पास है p अल्फ़ा प्लस बीटा, ये -s से मल्टीप्लाई होकर q/p आ जाता है। तो सम फाइंड हो गया। नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हमारे पास है अल्फ़ा बीटा वो है c/a। तो अल्फ़ा बीटा फाइंड करना चाहते हैं तो c हमारे पास है जिसमें r और a हमारे पास है p। तो ये इसका जी प्रोडक्ट हो गया, यहाँ इसका सलूशन हमें मिल गया। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी फोर्थ पार्ट की तरफ। जी
फोर्थ पार्ट हमारे पास है जी। ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अवेलेबल है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास इधर आ रहा है जी, ए हमारे पास इधर ए प्लस बी, ये सारे का सारा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, और बी की बात करें तो वो हमारे पास माइनस ए, और सी की बात करें तो वो बी आ गया। तो फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा, तो वो है माइनस बी ओवर ए। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आता है जी, माइनस इंटू माइनस ए ओवर ए, ए हमारे पास है ए प्लस बी। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस माइनस प्लस ए ओवर ए प्लस बी, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो आया वो अल्फा प्लस बीटा आ गया। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऑफ द रूट्स तो वो हमारे पास आता है अल्फा बीटा, वो है सी ओवर ए। तो अल्फा बीटा हमारे पास आता है सी ओवर ए, सी हमारे पास है बी, सी की जगह उसकी वैल्यू बी पुट कर दी, और ए हमारे पास है ए प्लस बी, तो वो हमने वैसे लिख दिया, यहाँ इसका प्रोडक्ट हमें मिल गया। नेक्स्ट इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तो वो हमारे पास है एल प्लस एम एम प्लस एन जी। इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अवेलेबल है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास आ रहा है जी एल प्लस एम, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास आ रहा है एम प्लस एन, और नेक्स्ट कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है एन माइनस एल। तो यहाँ हम फाइंड करते हैं सम ऑफ द रूट्स, वो हमारे पास आता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आता है माइनस बी ओवर ए, तो ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस इंटू एम प्लस एन ओवर ए हमारे पास आता है जी एल प्लस एम, ये आ गया। तो ये हमारे पास आ गया जी सम ऑफ रूट्स। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो हमारे पास आता है अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया सी ओवर ए, तो सी हमारे पास है जी एन माइनस एल, और ए हमारे पास आ गया एल प्लस एम, तो ये इसका प्रोडक्ट मिल गया हमें। अब हम मूव करते हैं जी सिक्स पार्ट और लास्ट पार्ट की तरफ, तो हमारे पास आता है जी ये आ गया। तो यहाँ पर अगर हम ए बी सी की वैल्यू देखें तो हमारे पास ए होता है सेवन, बी आता है माइनस फाइव एम, और सी हमारे पास आता है नाइन एम। तो यहाँ हम देखें सम ऑफ द रूट्स, वो हमारे पास है जी अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू माइनस सी ओवर माइनस बी ओवर ए। ठीक हो गया, तो यहाँ आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस बी हमारे पास है माइनस फाइव एम ओवर सेवन, तो यहाँ आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस फाइव एम ओवर सेवन आ गया यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ऑफ द रूट्स वो हमारे पास आ गया अल्फा बीटा, वो है सी ओवर ए। तो सी हमारे पास हमने अभी लिखा हुआ है, सी हमारे पास है नाइन एन, और ए हमारे पास है सेवन, तो यहाँ हमारे पास इसका प्रोडक्ट भी आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।